आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हार्ट पेशेंट और शुगर पेशेंट और जो मेरे प्यारे बहन भाई जो है मेरी यूट्यूब फैमिली, जैसे अगर कोई भी अपना वेट लूज करना चाहता है, वेट कम करना चाहता है अपने वजन को, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नो कार्ब है। क्योंकि ये रेसिपी, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं हुई है। तो आप, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इसके लिए मैंने जिन जो चीजें ली हैं वो बहुत ही इजी से आपके घर में ही, आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी। एक चम्मच मैं इसमें बेसन ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे इसमें शामिल करूंगी। 1 स्पून मकई का आटा, ये भी आपको पता है बहुत जबरदस्त होता है शुगर और हार्ट पेशेंट के लिए। इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 चम्मच जौ का आटा। जौ का आटा भी बहुत ज्यादा मुफीद होता है शुगर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए और वेट लॉस के लिए। लेकिन ये हम इसको अलग से नहीं खा सकते, तो इसको मैंने बड़ी अच्छे से मजे का, ये आपको पराठा मिलेगा, पराठा बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा, बहुत मजे का भी होगा, बिल्कुल आपको जो है ना वो मजा देगा। और आप इसको एक दफा बना के खाइएगा तो फिर आप इसके आदी हो जाएंगे। कम से कम एक वक्त में आप ये पराठा जरूर खाएं। नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो भी बहुत ही जबरदस्त है, ये इसमें शिमला मिर्चे आप ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मौसम के लिहाज से कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज कर सकते हैं। और एक मैंने छोटी हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसी तरह ये प्याज का भी 1 स्पून जो है वो मैं इसमें डालूंगी। मर्जी की, अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं इसमें बीन्स लगी हूँ, आप इसमें गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं इसके अंदर मैंने मटर डाले हैं, आप गाजरें इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लो कार्ब है, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है, कैल्शियम और पोटाशियम है, ये सारी चीजें आप इसमें जो है वो वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर 1 एग जो है वो करूंगी। इसमें भी आपको पता है ये भी बहुत जबरदस्त होता है हार्ट और शुगर पेशेंट के लिए। अगर आप इसमें 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे बेनिफिशियल होते हैं। मैं इसके अंदर ये कसूरी मेथी इस्तेमाल करने लगी हूँ, 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लें। फ्रेंड्स, 1 पिंच मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाल, कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अगर आपके कोई स्टमक प्रॉब्लम है, मेदे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल ना करें, आप इसमें जो कुटी हुई मिर्च की बजाय ब्लैक। 1 पिंच इसके अंदर मैं हल्दी इस्तेमाल करूँ। अच्छा, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, अब हम इसको जो है मिक्स कर, इसको फ्रेंड हमने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको ऐसे मिक्स करना है कि ये सारी चीजें एक लाइट सा जो है ना वो बैटर तैयार हो जाए। आटे की तरह हमने इसको गूंदना नहीं है, बस ये झटपट मिक्स करेंगे और ये हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। सरसों का तेल है, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा ऑयल तो डालना नहीं, बस 1 चम्मच हमने सिर्फ इसमें ऑयल डालना है और इसी के अंदर जो है हमारा ये पराठा बन के तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा सा, बहुत मजे का यम्मी सा पराठा बनेगा। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है, हम भी अपना बैटर डाल देंगे। मैंने सिर्फ ये एक रोटी बनाई है अपने लिए, तो बस उसी हिसाब से मैंने इसका बैटर लिया है। अगर आपको ज्यादा बनाना हो तो आप उस हिसाब से बिल्कुल इसका लो रखा है, और हम इसको जितना भी इसको करना चाहिए आप इसको पतला कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने पराठे को बिल्कुल लो हीट पे बनाना है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से दोनों साइड से इसको कलर दे देना है, ताकि
फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है गोल्डन।